press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम अक्सर अपने चैनल पे जो है आपको नई नई मोबाइल फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग्स दिखाते हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है कि अगर भैया ये जो मोबाइल फ़ोन आप दिखाते हो ये खो जाएँ तो इनको ढूंढा कैसे जाए। बहुत लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा था, इसलिए ये खास वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो जाए तो आप उसे किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। लोग नॉर्मली इसमें पुलिस कंप्लेंट कराते हैं और काफ़ी कुछ कराते हैं, एक लंबा प्रोसीजर है जो कि कराना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपका फ़ोन खोया है, आपको घंटे दो घंटे बाद ये बात पता चल जाती है, और अगर आप रिंग कर रहे हैं, फ़ोन बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है, या आपका फ़ोन गिर जाता है एक तरीके से, तो आप जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन को ढूंढने में। बहुत ही आसान सी टेक्निक है, लेकिन इसके लिए थोड़े से आपको जो है प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जिसके बाद आप समझ पाएंगे किस तरीके से आप फ़ोन को बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फ़ोन गिर गया है तो आपको सबसे पहले तो ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस बिहाफ पे आपका फ़ोन नहीं मिल पाता है तो आपको FIR वगैरह या लॉस्ट रिपोर्ट वगैरह करा देनी चाहिए, जो कि आपकी लीगल पर्पस थोड़ी सी सही होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरीके के हिसाब से फ़ोन ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके फ़ोन का GPS ऑन होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो ईमेल आईडी आप अपने प्ले स्टोर पर इस्तेमाल कर रहे हों या आपका जो लॉगिन हो उसमें ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी आपके कंप्यूटर में भी लॉगिन होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने फ़ोन को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके मोबाइल का जो भी आपका फ़ोन खोया है उसका GPS ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नॉर्मली आप अपने GPS को ऑन करके ही रखा करिए। हो सकता है ये आपका थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी खाता है, बट ये आपके लिए एकदम सेफ़ है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है गूगल पे फाइंड माई फ़ोन सर्च करना होगा। जैसे ही आप इस पे सर्च करते हैं, ये आपको पहला रिजल्ट आपका जो है यही दिखा देता है। यहाँ पर आपको ही साइन इन के लिए बोलेगा, जो भी आपकी आईडी उस मोबाइल फ़ोन पर साइन इन हो आप यहाँ उसे साइन इन कर सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया है, इसलिए मैं इसको फुल स्क्रीन ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सब कुछ डिटेल्स दिखा रहा है कि आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरा मॉडल है वो है Redmi 6A। पिछली बार 4 मिनट पहले इसका लॉक ओपन किया गया था। 97% इसकी बैटरी है, जियो 4G का सिम है। तो यहाँ पर ये डिटेल्स आपको दी रखी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप कुछ रिमोट फंक्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन पर एक फेक कॉल कर सकते हैं, ये आपकी 5 मिनट तक जो है बेल जाती रहेगी। यानी कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन खोया है, अगर वो आपका कहीं आसपास ही है तो वो आपको मिल जाएगा। आप यहीं से डिवाइस को रिमोटली लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह ना चेक कर पाए। इसके बाद आप यहां से उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोन फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर मेरा फ़ोन जो है एकदम जस्ट बगल में रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें यहां पर, तो ये मुझे कानपुर की लोकेशन यहां पर दिखा रहा है। तो दोस्तों, और इसे जूम कर सकते हैं, ये मुझे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आप कुछ इस तरीके से आप इसे जूम करके देख सकते हैं कि आपका फ़ोन किधर की तरफ है। तो दोस्तों, यहां पर मुझे इस तरीके से फ़ोन की लोकेशन जो है चेक करा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक फेक कॉल करके भी इससे दिखाता हूं। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, हालांकि मेरा फ़ोन बगल में है, आपको तुरंत उसकी रिंग सुनाई देगी कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, आप यहां से उसकी रिंग को भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि ये एक कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है ढूंढने का, लेकिन फिर भी अगर आप अपना फ़ोन खुद ढूंढना चाहते हैं, अगर थोड़ा ही समय हुआ है आपके फ़ोन को खोए, आपको घंटे दो घंटे बाद ये बात पता चल जाती है कि आपका फ़ोन आपके आसपास हो सकता है या किसी के घर पे छूट गया है, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।